हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनबॉक्स फॉर टेक। तो दोस्तों, जैसा कि PUBG बैन हुए 1 साल हो चुके हैं, ऐसा कि आप जानते ही हैं, और उसके कुछ दिन बाद से ही खबर आ रही थी कि PUBG फिर से लौट के आएगा। कई जगह से न्यूज ऐसी मिली थी कि PUBG फिर से लौटने वाला है, और ऐसे उनके ऑफिशियल साइट पे कई ऐसे वीडियो डाले गए थे जिसके वजह से लोग अनुमान लगा रहे थे कि PUBG जल्दी से जल्दी आने वाला है। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस साल उन्होंने बताया कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से इंडिया में लॉन्च हो रहा है। और जैसा कि आप जान गए होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं आप, तो आपको बता दें, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आपके लिए आने वाला है। PUBG का अल्टरनेटिव ले आया जा रहा है, पर PUBG का नाम बदल के यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रख दिया गया, और ये सिर्फ इंडिया सर्वर के लिए, मतलब सर्वर के लिए सिर्फ लाया गया है। तो अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो आपको बता दें कि PUBG बैन है, पर इस समय जो आ रहा है वो आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से आपको मिलेगा, और इसका प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप नहीं किए हैं अभी तक, तो आप प्री रजिस्टर इसको कर सकते हैं उनके ऑफिशियल साइट पे जाके, या फिर आप अगर नहीं जान रहे उनकी ऑफिशियल साइट, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उनके साइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप प्री रजिस्टर कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको प्ले स्टोर पे भी जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। अगर आपको वहां से मिल जाता है, तो आप तुरंत ही वहां पे प्री रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसा कि अगर आप लग रहा है कि वो 18 तारीख से आया था, तो हम थोड़े से लेट हो गए हैं आपको बताना कि 18 तारीख से ही प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो बंद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बंद नहीं हुआ है। वो तब तक चलेगा जब तक वो गेम लॉन्च नहीं हो जाता है। जब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च हो जाएगा, उस समय इसका प्री रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गेम जो है वो 10 जून को रिलीज होगा, क्योंकि उनके ऑफिशियल साइट पे कुछ ऐसा दिखाया गया था कि जिसमें लूनर इक्लिप्स के तरीके से वहां पे कुछ शो हुआ था, जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद ये गेम 10 जून को लॉन्च होगा। पर इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इस वजह से हम इसको सही नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, ये एक अनुमान है जिसको हम अपने तरफ से बता रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दें इसमें, अगर आप इनके दिए हुए टाइम पीरियड में अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको उसमें कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे। जैसे कि आप अगर बता दें हम रिवार्ड्स में क्या क्या है, तो उसमें रेकॉन मास्क मिलेगा आपको, रेकॉन आउटफिट मिलेगा, और सेलिब्रेशन एक्सपर्ट आपको लिमिटेड टाइटल मिलेगा, और 300 AG आपको उसमें क्वाइन मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो आ रहा है, ये इंडिया के लिए आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ रूल्स भी होंगे। जैसे कि पिछले पबजी में भी रूल्स थे कि 18 के नीचे जितने भी प्लेयर्स खेलते थे, वो लोग 3 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाएंगे। तो इसमें भी वैसे ही है, आपको इसमें 18 के नीचे अगर है, तो आप इसमें पेरेंट का नंबर देना पड़ेगा। अगर वो लोग एग्री होंगे पेरेंट्स, तो आपको यहाँ पे खेलने का मौका मिलेगा, और अगर नहीं एग्री होते हैं, तो मे भी ऐसा है कि इसमें आपको ना खेलने का मौका मिले। ऐसा कोई अपडेट हमें नहीं मालूम है कि शायद मिले ना मिले, ये नहीं मालूम, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा आप नहीं खेल पाएंगे इसमें अगर 18 के नीचे हैं। और जो दूसरा रूल है वो है कि आप इसमें 7,000 से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप एसेसरी जो भी इसमें लेना चाहते हैं, वो 7,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे आप। तो ये इसका कुछ रूल्स थे। और जैसा कि ये इंडिया के लिए आ रहा है, तो ये इंडिया सर्वर पे रहेगा, एशिया सर्वर में रहेगा, और इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें एशिया के लोग ही खेलेंगे। और आपको जैसा बता दें कि ये इंडिया सर्वर में है, तो इसका जो भी डाटा होगा वो इंडिया में सेव होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी, और हमें बताना था आपको बैटल ग्राउंड इंडिया के बारे में, जो कि हम जानते थे। अगर आप कुछ जानते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी अपडेट मिलता है, तो हमें बताइए, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद से आपको उसकी सही जानकारी देंगे। अगर आपको कोई भी चीज हमारी अच्छी लगती है, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज बुरी भी लगती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।